कीमतों में 10% तक का इजाफा। रस, ब्रेड, पराठा, फ्रूट बन और केक रस और दीगर अशिया 10 से 15 रुपये महंगी हो चुकी हैं, जबकि बड़ी डबल रोटी 10 रुपये इजाफे से 130 रुपये की होगी और छोटी डबल रोटी 5 रुपये इजाफे से 70 रुपये में फरोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीला जानेंगे जुनेद जया से। जुनेद, बताइएगा, बेकरी मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफे के वजह से जो है सुबह का नाश्ता भी जो है वो बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनका महंगा कर दिया। अगर बड़ी डबल रोटी की बात की जाए तो बड़ी डबल रोटी जो है वो 10 रुपये इजाफे से 130 रुपये पर चलेगी और छोटी डबल रोटी भी 5 रुपये इजाफे से उसका रेट 70 रुपये पर पहुँच चुका है। और अगर अंडों की बात की जाए तो आज भी अंडे जो हैं 180 रुपये दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी वाले से हम शहरियों से बात करेंगे, क्या समझते हैं डबल रोटी अंडे ये बहुत महंगी हो गई? डबल रोटी और अंडे भी बहुत महंगे हैं। डबल रोटी तो 80 रुपये की मैं लेके आ रहा हूँ, रोज 80 रुपये की डबल रोटी आ रही है, अंडे भी 180 रुपये दर्जन है। बंदा क्या खाए, गरीब बंदा क्या करेगा? नहीं, गरीब बंदा तो क्या करेगा भाई, महंगाई तो नहीं हो गई, सब्जी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, डबल रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो सुबह बच्चों का नाश्ता भी नहीं दे सकते, क्या कर सकते हम? बच्चों का नाश्ता करेंगे, अपने बच्चों को पेट पालें या उसके स्कूल में भेजें, फीस उसकी दे, कोई भी ऐसी करी नहीं जा रहा, बहुत ही महंगी करी जा रही है, हर चीज़ को महंगी करी जा रही है। जी, आपने बात सुनी कि हर चीज़ महंगी हो रही जा रही है और फ्रूट बन की बात की जाए तो वो भी महंगा हो गया है और केक जो है और केक रस और रस भी जो है वो भी 10% महंगे कर दिए गए यहाँ पर। और भी शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे जनाब? जी सर, डबल रोटी मैं ख़रीदने आया था तो बहुत कॉस्टली हुई है, डबल रोटी की ख़रीदने आया था बहुत कॉस्टली हुई है, जबकि मैंने एक डबल रोटी ली है, ये देखें 80 रुपये की डबल रोटी थी, अब 90 रुपये की फ़रोख्त हो रही है, तो अब गरीब आवाम कहाँ जाए आप बताएँ, ख़ुद बताएँ। और छोटी डबल रोटी 20 की है वो 45 की हो गई है, तो गरीब आवाम कहाँ जाए, बस यही मैं कह सकता हूँ इस बारे में। जी, आपने बात सुनी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो आवाम है वो तंग आ चुकी है। आज की कीमतों में इजाफा हुआ है, आज आपका बहुत शुक्रिया।